वेलकम है आपका हमारे चैनल पर माइग्नू सॉल्यूशन पर। आज की जो वीडियो है वो है MMPC 11। आज की इस वीडियो में MMPC के सॉल्यूशन जानने वाले हैं, यानी कि अगर आप असाइनमेंट तैयारी कर रहे हैं, असाइनमेंट बना रहे हैं, तो आप इस वीडियो की मदद से आप आंसर लिख सकते हैं। तो ये केवल उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने जुलाई 2023 में एडमिशन लिया है, और साथ ही जो जनवरी 2024 में एडमिशन लेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए है। तो आज की इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और समझें कि कैसे आप अपने असाइनमेंट्स बना सकते हैं, और साथ ही अगर आप असाइनमेंट्स बनाते हैं और आपको क्या क्या गाइडलाइंस होती है जो इग्नू की, जो बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होती कि कैसे आपको कितने वर्ड्स में लिखना है, कितने क्वेश्चंस करने हैं, वो सभी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में पता चल जाएगी। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स, अभी आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यकीनन कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। और मैं कहती हूँ कि अगर आप मेरे इन तरीकों को अपनाएंगे, यानी कि इस वीडियो में जो भी मैंने प्रोसेस बताया है इसके अकॉर्डिंग आप अपने असाइनमेंट बनाते हैं, तो काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं MMPC 11। यहाँ स्टूडेंट्स हम आ चुके हैं अपने असाइनमेंट पर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में समझाया था कि अगर आप, बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि कितने क्वेश्चंस खाने, अब चाहे अगर आपकी आप असाइनमेंट बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लें, ठीक है। देन इसके बाद क्वेश्चन को मैच करें, और क्वेश्चंस में कितने वर्ड्स में बोला जाता है उसके अकॉर्डिंग ही आप आंसर लिखें। अगर इससे कम आप आंसर लिखते हैं तो आपको कम मार्क्स मिल सकते हैं, इसलिए जितना बोला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग लिखें। और दूसरी बात कि आपको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आप आंसर लिखें। हाँ, तीसरा पॉइंट है वो, अगर आप असाइनमेंट्स बना रहे हैं तो क्वेश्चन में आपको सभी क्वेश्चंस करने को बोला गया है, या फिर इसमें से बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, यानी असाइनमेंट्स होते हैं, उसमें बोला जाता है केवल आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं या 6 से 7, ऐसे कुछ होते हैं। अगर आपको बोला जाता है सभी क्वेश्चंस करने को, तो आपको सभी क्वेश्चन को ही लिखना है। बाकी आंसर की बात की जाए तो यहाँ आपको फ्री में, बिल्कुल फ्री में आंसर दे रखा है, इसी तरह आप आंसर लिखें और यहीं से लिखें। और अगर आप यहाँ से लिख रहे हैं तो आप अपने वर्ड्स को भी ज़रूर ऐड करें, क्योंकि अगर आप वर्ड्स को ऐड करेंगे तो और भी ज़्यादा यूनिक हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं असाइनमेंट्स में अच्छे मार्क्स लाने की क्यों कह रही हूँ। शायद बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि असाइनमेंट्स के जो मार्क्स होते हैं वो हमेशा एग्ज़ाम में इंक्लूड होते हैं, इसलिए आप पूरी कोशिश करें कि आपका असाइनमेंट काफ़ी अच्छा हो, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है, यानी कि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो दो चीज़ों को एक साथ मैनेज करते हैं, यानी कि अगर आप अपना कोर्स भी कंप्लीट कर रहे हैं और साथ ही आप जॉब भी करते हैं, तो आपके पास टाइम नहीं है कि कैसे आप अपने असाइनमेंट्स बनाएं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें व्हाट्सएप पर सब्जेक्ट कोड भेज सकते हैं, यहाँ से आप असाइनमेंट्स बनवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपको दो टाइप के असाइनमेंट्स मिलेंगे, एक हार्ड कॉपी में एंड आपका सॉफ्ट कॉपी में, इन दोनों कॉपीज में आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा आपका आ चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 2।
वाले में क्या डालूंगा? रेड वाला कर दिया मैंने, जीएसटी लगाना है कर दिया, लेकिन वो नीचे वो आता है ना तो किसी के नाम पे या शेयरिंग पे कुछ करा एक्सपेंस में कैश इवेंट पेमेंट कैसे होगी? कैश भी बैंक में ये नहीं लिखा है ना, कैश कैश करो तो यहाँ तक स्टूडेंट्स ये वीडियो पूरी होती है। मुझे यकीन है कि आपको ये MMPC 11 की जो भी MMPC 11 का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट कोड पे चाहिए वो चीज़ भी आप मेंशन कर सकते हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स हम अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको जेन्युइन नॉलेज और जेन्युइन चीज़ें जो बहुत से लोगों को नहीं पता होता और सही तरीके से असाइनमेंट बनाने का तरीका हर चीज़ अपडेशन आपको सिर्फ केवल माइग्नी सॉल्यूशन पे ही मिलेगी। तो आप हमारे चैनल पे बने रहें। बाकी स्टूडेंट्स अगर मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपको असाइनमेंट्स बनवाने हैं तो उसके लिए आप हमें इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दे रखा है, इस स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करके अपने सब्जेक्ट कोड भेज सकते हैं। बाकी स्टूडेंट्स ऐसे ही और वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें और नए वीडियो का अपडेशन लेते रहें।